नमस्कार, मैं उश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। 250 वार्डों से आपने 134 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 9 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती हैं। चुनाव आयोग ने 250 वार्डों की मतगणना पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश आज़ादी का अमृतकाल में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत को G20 अध्यक्षता मिलने एक बहुत बड़ा अवसर बताया है। वहीं उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सदन को चलाने में सहयोग मांगा है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा शून्य से नीचे चला गया है। वहीं IMD का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले 3-4 दिनों में बारिश हो सकती है। वहीं यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जबकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। जर्मनी की विदेश मंत्री एना लेना बायरबॉक 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में खरीदारी की है। उन्होंने कपड़े के दुकान से कुछ कपड़े खरीदे और उसका भुगतान पेटीएम के जरिए किया है। जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने अपने ट्विटर पर उनकी खरीदारी की फोटो पोस्ट की है। केंद्र सरकार के वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फैसले लेने की प्रक्रिया से संबंधित फाइलें मांगी है। बैंगलोर में फोर्टिस नगर भावी के डॉक्टरों ने एक चमत्कारी कार्य कर दिखाया। दरअसल एक 8 महीने के बच्चे ने खेलते समय गलती से 2 सेंटीमीटर बोतल कॉर्क निगल लिया था। बोतल की कॉर्क निगलने के बाद बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। बच्चे की सांस फूल गई थी। स्पेशलिस्ट ने लैरिंगोस्कोपी की मदद से बोतल की कॉर्क को गले से निकाला। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने 2018 के आरोपों के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में माफी मांगी। इस पर अब कांग्रेस नेता ने विवेक पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें शहर में नया माफी वीर करार दिया है और एक माफी फाइल्स बनाने की भी सलाह दे डाली है। जस्टिस एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक नीति के कानूनी अनुपालन की संवैधानिक अदालत द्वारा पड़ताल की जा सकती है। पीठ ने कहा कि अदालत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के गुणदोष पर नहीं जाएगी, लेकिन वह हमेशा उस तरीके पर गौर कर सकती है जिस तरह से फैसला लिया गया था। महज इसलिए कि यह एक आर्थिक नीति है, इसका मतलब यह नहीं कि अदालत हाथ बांध कर चुपचाप बैठ जाएगी। अमेरिका में मंदी का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ वक्त में कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ट्विटर, फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, पेप्सिको आदि जैसी कई कंपनियों ने अपने यहां कर्मचारियों की छंटनी की है। अब इस लिस्ट में फाइनेंशियल कंपनी मॉर्गन स्टेनली का नाम भी जुड़ गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। SSC CHSL 2022 नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध है। SSC CHSL 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार SSC पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। यूनियन बजट पेश होने में 60 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बजट को लेकर हर बार की तरह किसानों से लेकर नौकरी पेशा और कारोबारियों तक की काफी उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में टैक्स एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से हायर टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिल सकती है। सीमांचल में केंद्र सरकार की पहल से कई नेशनल हाईवे पर काम तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को जल्द ही 2 नए NH के साथ एक सुपर हाईवे की सौगात मिलने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि यहां सड़कों का जाल बिछ जाएगा और इससे इलाके का काफी विकास होगा। हालांकि कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण में सही मुआवजा नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वाराणसी वासियों को नए साल की सौगात मिल गई है। जनवरी से वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। भारतमाला परियोजना के तहत यह एक्सप्रेसवे बनवाया जाना है। इसके निर्माण को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि यह टेंडर राजा तालाब से बिहार की सीमा तक बनाए जाने वाले 6-लेन सड़क के लिए निर्माण के लिए है। एक ट्विटर यूजर ने वित्त मंत्रालय EPFO और PMO को टैग करके सवाल पूछा है कि EPFO ने वित्त वर्ष 2021-22 का अब तक ब्याज खातों में ट्रांसफर नहीं किया है। इस मामले पर EPFO ने यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रिय सदस्य, ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है और यह जल्द ही आपके खाते में दिखाई देगी। जब भी ब्याज जमा किया जाएगा, इसका पूरा भुगतान किया जाएगा। ब्याज की हानि नहीं होगी।
इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए मिनी ऑक्शन की तैयारी जोर पर है। आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। सभी फ्रेंचाइजी अब खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पैनी नजर बनाए हुई है ताकि मिनी ऑक्शन में किस खिलाड़ी पर दाव लगाया जाए यह साफ रहे। आईपीएल 2023 के लिए मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोची में होना है। ऑक्शन में शामिल होने वाले 991 खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। राज्य में फिल्म और टेलीविजन में कैरियर बनाने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में फिल्म और टेलीविजन से जुड़े कोर्स की पढ़ाई होगी। इसके लिए कोर्स की डिजाइन करने की जिम्मेदारी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बेलिनी वाली पहाड़ी पर बनने वाले 900 मीटर सुरंग का कार्य शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है। 2.5 साल के भीतर कार्य पूरा होने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इस सुरंग के बनने से जहां रुद्रप्रयाग में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे सीधे आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आप मैट्रिक पास हैं और बेरोजगार हैं, साथ ही सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। एक तरह से कहा जाए तो खुशखबरी है, भारतीय नौसेना में बंपर बहाली होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी में अग्निवीरों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार पुलिस के 8248 नवनियुक्त सिपाहियों का 15 दिसंबर में 11 स्थानों पर शुरू हो रहा है यह प्रशिक्षण। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 7 वाहिनियों के मुख्यालय के अलावा सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर, MPTC, डुमराव, मोतिहारी जिला पुलिस केंद्र तथा बांका जिला पुलिस केंद्र में संचालित किया जाएगा। भारत में सोने की कीमतों में हालिया तेजी का रुख जारी है। 2 दिन पहले MCX पर आज सोना वायदा 0.3% बढ़कर 5 महीने के उच्चतर अस्तर यानी कि 4,006 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी वायदा 0.8% उछलकर 66,970 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। खबर लिखे जाने तक MCX पर सोना वायदा 53,780 पर कारोबार कर रहा है, वहीं चांदी 65,660 पर ट्रेंड कर रहा था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में सरकारी नौकरी के इच्छुक या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भर्ती के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। NHM डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी कुरुक्षेत्र ने जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2022-23 हेतु 70 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। राजस्थान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत कोटा से की है। यात्रा के 91 दिन बुधवार को राहुल गांधी सुबह 6 बजे दर्रा स्टेशन गणेश मंदिर से कोटा की ओर बढ़े। यात्रा राजस्थान में अपने तीसरे दिन के पहले चरण में कम से कम 13 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लाडपुरा में मंदाना पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले 2 हफ्तों तक राजस्थान में रहेगी। यहाँ यात्रा कुल 7 जिलों को कवर करेगी और कुल 520 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। RBI ने बुधवार को लगातार 5वीं बार रेपो रेट में वृद्धि कर दी है। मई 2022 में चालू हुआ रेट हाइक का ये सिलसिला आज भी नहीं थमा। इसके पीछे का कारण साफ है कि RBI अभी तक महंगाई को काबू कर पाने में नाकाम रहा है। यह बात केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी दी है। RBI ने इस बार नीतिगत दरों में 0.35% या 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। 67वीं BPSC PT परीक्षा में धांधली को लेकर बुधवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोक दिया। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में प्रकाशित खबर के मुताबिक कुलेबा ने भारत की ओर से इसे यूक्रेन युद्ध कहने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत को हमारे दुख दर्द से लाभ हो रहा है तो वो कम से कम इतना तो कर सकता है कि वो हमें देने वाली मदद को बढ़ा दे। पश्चिम बंगाल के बर्दवान शहर में बीते सोमवार 5 दिसंबर को जुड़वा बहनों ने जुड़वा भाइयों से शादी की है। इन बहनों का कहना है कि दोनों की परवरिश बचपन से एक साथ हुई है, इसलिए इनकी ख्वाहिश थी कि शादी भी एक साथ एक ही घर में हो। ये दोनों बहनें जन्म के बाद से ही एक साथ रही हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर घूमना फिरना सब कुछ एक साथ हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह काफी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। उनके वापसी की भी लेकिन एक बार फिर से कमर की परेशानी की वजह से उन्हें मैदान से दूर जाना पड़ा। एशिया कप 2022 और वर्ल्ड कप 2022 में भी बुमराह की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में अब टीम इंडिया फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जल्द ही भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे इसी महीने अपने रियल एस्टेट कारोबार के विस्तार के सिलसिले में भारत आ डोनाल्ड ट्रंप जूनियर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। ट्रंप की कंपनी ने मुंबई स्थित ट्रिबेका डेवलपर्स के साथ साझेदारी के माध्यम से भारतीय रियल एस्टेट कारोबार में प्रवेश किया है।
फीफा वर्ल्ड कप में आठवां प्री क्वार्टर फाइनल मैच 6 दिसंबर को पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया था। इस मैच में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला। स्विट्जरलैंड ने अपनी मेहनत से प्री क्वार्टर फाइनल में तो अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में उसका पाला पुर्तगाल की टीम से पड़ गया। स्विट्जरलैंड को 6-1 से मात देकर पुर्तगाल ने इतिहास रच दिया। अंबास से होल्डिंग्स के आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स हो गया है। कंपनी का आईपीओ 12 से 15 दिसंबर के बीच खुलेगा। एंकर निवेशकों के लिए यह 9 दिसंबर से खुलने वाला है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 256 से 270 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है। निवेशक इस कीमत पर कंपनी के शेयरों की बुकिंग कर सकेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है हिमांशु राज, मोहम्मद नौशाद रजा, के सिन्हा, रविशंकर, मोहम्मद शाकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, विजय राय और राजकुमार प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आईपीएल में आपकी पसंदीदा फ्रेंचाइजी कौन सी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।